Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 10th CBSE. Okay, and rest of the chapter we will read today. Okay, from this is the addressee. ठीक है, तो यहाँ डियरेस्ट किटी को जो है यहाँ सैल्यूटेशन जो है किटी के लिए डाला गया है. डियरेस्ट किटी, सैटरडे 20 जून 1942 की बात है. ठीक है, तो इस प्रकार का एक लेटर जो है वो लिखा हुआ है. किसके द्वारा? एन फ्रैंक के द्वारा. क्या दिया हुआ है? डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आर एंटायर क्लास इज क्विंकिंग इट्स बोर्ड्स. हमारी जो पूरी कक्षा है, यानी कि हमारी संपूर्ण जो कक्षा है उनकी टांगे कांप रही है, क्वैकिंग कर रही है. ठीक है, उनकी टांगे क्या कर रही है? क्वैकिंग कर रही है. द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन नेक्स्ट फॉर्म एंड वो विल बी कैप्ट बैक. और निश्चित तौर से इसका जो कारण है, जो रीज़न है, वह आने वाली मीटिंग है. एक मीटिंग है जिनमें जो टीचर्स हैं उनको यह डिसीजन लेना था, डिसाइड करना था कि अगली क्लास में कौन प्रमोट होगा और कौन जो है उसी क्लास में दोबारा से क्या करेगा? रीडिंग करेगा. इस बारे में उसने अपनी डायरी के अंदर ऐड किया. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी से ज़्यादा क्लास जो है एक दूसरे से शर्त लगाने में लगी हुई है, बैट्स लगाने में लगी हुई है. जी एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एन एंड जैक्स. ओके, और इसमें जी एन और मैं, हमारे पीछे दो लड़के जो हैं बैठे हुए थे और हंस रहे थे, और सी एन और जैक्स पर, ठीक है, सी एन और जैक्स हु सेक्ट देयर एंटर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट. और सी एन और जैक्स पर जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए पूरे पैसे शायद दाव पर लगा दिए हैं, यानी कि शर्त जो है पैसों से लगी हुई है. ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जी एस प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्ट्स कांट काम देम डाउन. और सुबह से शाम तक यही चलता रहा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, हाँ हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं तुम पास, शायद मैं पास नहीं होऊंगा. ठीक है, तो इस प्रकार की जो शर्त चल रही थी. इवन जी एस स्प्रेडिंग ग्लेंसेज एंड एंग्री आउटबर्ट्स कांट काम विद डाउन. और जो जी की प्रार्थना भरी जो नज़रें थी, प्लीडिंग जो ग्लेंसेज थी, और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाते. Angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. और यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी क्लास में इतने नालायक, कक्षा में यानी क्लास में इतने नालायक इतने ज़्यादा हैं कि 1/4 जो क्लास है उनको शायद पीछे ही रखा जा सकता है. यानी कि 1/4 बच्चे हैं से जिनको पास करना सही नहीं है, उनको फेल करना ठीक है. ठीक है, और क्या कहा? बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ. किंतु जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, इस पृथ्वी पर सबसे विचित्र प्राणी हैं. पता नहीं उसको पास करे या फेल करे, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते. ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं जो है इस अपनी जो सहेली जो है और अपने बारे में बड़ी चिंतित रहती हूँ. वी विल मेक इट, हम शायद पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. और वह विषय जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, और वह गणित. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट.
और हम शायद वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे से यही कहते रहें कि हिम्मत मत हारो, ठीक है, हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन, और मेरी जो है अपने सभी जो टीचर्स थे उनके साथ अच्छी तरीके से बनती थी, और वहाँ कुल 9 टीचर्स थे, और 9 टीचर्स में इनमें 7 जो हैं वो पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, ठीक है। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हूँ टीचर्स मैथ्स, और मिस्टर किसिंग जो है वो एक फॉगी किस्म के, ओल्ड फैशन किस्म के व्यक्ति हैं जो गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो बहुत मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवल वार्निंग्स ही अजाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कई चेतावनियों के बाद भी, यानी कि कई चेतावनी वो मुझे देते थे और मुझे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और वह मुझे एक निबंध के तौर पर एक विषय, यानी कि निबंध का विषय देते थे, और निबंध के विषय के रूप में बातूनी, यानी कि चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, और तुम इस बारे में क्या लिख सकती हो, इस प्रकार से मुझे चैटर बॉक्स टाइटल ऐसे देते थे। आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, और इसके बारे में शायद मैं सोचूंगी, मैंने इस बारे में फैसला कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में ऐड किया और अपने बैग में, ठीक है, उसको नोटबुक को ठूंस लिया और चुप बैठने की मैंने कोशिश की, क्वाइट बैठने की मैंने कोशिश की, क्लियर। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम जब मैंने अपने बाकी का होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, मेरी नज़र उस जो लेख मैंने लिखा था उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और अपने फाउंटेन पेन, यानी कि जो शाहीदार पेन हुआ करता था, उसके सिर को यानी कि सिरे को चबाते हुए मैं उस विषय में सोचती रही, ठीक है। एनी वन कुड रैम्बल एंड ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ, ठीक है, खाली जगह छोड़ता हुआ, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, तो बड़ी बड़ी शब्दों के बीच में जगह छोड़ देती और इधर उधर की बातें लिख सकता था, यानी कि कोई भी उस चैप्टर पर, उस चैप्टर बॉक्स पर कुछ भी लिख सकता था इधर उधर बात करते हुए भी। आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया, ठीक है, क्या विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड सेटिस्फाइड, और मिस्टर किसिंग ने जो मुझे काम दिया था उसके मैंने 3 पृष्ठ भर दिए, और मिस्टर किसिंग जो है, यानी कि जो उन्होंने मुझे वर्क दिया उसको मैंने 3 पेज के अंदर लिखा और मैं संतुष्ट हो गई। आई अर्ज्ड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्टेट एंड दैट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और निश्चित तौर से मैंने इस बात का आर्गुमेंट भी दिया कि विद्यार्थी की जो विशेषता होती है वो होती है बात करना, और यह भी लिखा, क्या लिखा, कि इसे काबू में करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, मैं पूरी पूरी जो है कोशिश करूँगी, अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, और इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी शायद, इस आदत से मैं कुछ सुधार नहीं पाऊँगी,
क्योंकि मेरी माँ भी अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना ही बोलती थी। मदर कितनी बोलती थी? जितना मैं बोलती थी, ठीक है। एंड इफ नॉट एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप जो है वो इनहेरिटेड जो हैबिट्स होती हैं के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जो आदत वंशानुगत तरीके से मिली हुई हैं उनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो चीज़ें वैसी रहेंगी जैसे कि आपने अपने माता पिता से ग्रहण किए हैं। क्लियर है? मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और मिस्टर किसिंग जो है जो मेरी जो आर्गूमेंट्स थे उन आर्गूमेंट्स पर खूब हंसे, किंतु जब मैं अगले लेसन के दौरान फिर से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक और लेख लिखने को दे दिया, नेक्स्ट लेसन दे दिया। ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो उन्होंने मुझे जो लेख दिया यानी कि जो ऐसे दिया वो था यानी कि असाध्य बातूनी। क्या? असाध्य बातूनी, कहने का मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सके। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे लिख पर सौंप दिया यानी कि मैंने लिख कर इसको सौंप दिया। मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन्स, और दो पाठों के दौरान दो लेसन्स के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत का मौका नहीं मिला। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, और लगभग तीसरे चैप्टर के दौरान लेसन के दौरान वो सहन नहीं कर पाए। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और एने फ्रैंक जो है क्लास में बोलने के पनिशमेंट के रूप में तुम्हें एक लेख लिखना होगा, ठीक है, राइट एन एसे एंड टाइटल, और उस एसे का जो टाइटल लिखा गया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, कहाँ कहाँ कहाँ, यानी कि एक बातूनी औरत ने कहा, तो इस तरीके का जो शीर्षक होगा, इस तरीके का टाइटल होगा, और इस पर तुम्हें लिखना है, यानी कि थर्ड बार मुझे क्या दे दिया, यानी कि एक ऐसे दे दिया और उस पर मुझे क्या करना था, लिखना था। क्लियर है? द क्लास रोड, क्लास जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी तेज तेज हंसने लगी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, और मुझे भी हंसी आ गई, यद्यपि जो चैटर बॉक्स होते हैं चैटर बॉक्स संबंधी टॉपिक पर अपनी पूरी जो इमेजिनेशन पावर है उसको लगभग मैंने समाप्त कर दिया। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और अब समय आ गया था किस चीज़ का, कि अब मुझे कुछ और नया सोचना था, समथिंग ओरिजिनल, मुझे कुछ नया करना था यानी कि वास्तविक करना था। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ज आई जम्प्ड फॉर जॉय। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद द रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। किंतु एक मेरी जो मित्र थी, मेरी फ्रेंड थी सैने, क्या नाम था? सैने। वो कविताएं लिखने में बहुत ज़्यादा क्या थी, गुड़ थी, अच्छी थी, कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, और उसने मेरे सामने ऑफर किया कि वह उस पूरे ऐसे को शुरू से एंड तक लिखने में, कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करेगी। क्या करेगी? वर्ज को लिखने में, कविता को लिखने में मेरी मदद करेगी, वर्ज मीन्स कविता, मदद करेगी। और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग जो थे इस रेडिकुलस जो सब्जेक्ट थे यानी कि हास्यप्रद जो विषय था द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है कि मेरा मजाक उड़ जाए, किंतु मैंने इस बात का फैसला कर लिया था कि मजाक उल्टा उसी के ऊपर पड़ेगा यानी कि मिस्टर किसिंग पर पड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल, मैंने अपनी कविता कंप्लीट कर ली, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इट वॉज़ अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वैक्ट टू मच। ओके, और एक इसमें मैंने क्या किया, इसमें एक तो
माँ का वर्णन है जो बतख बनाई है, और पिता के रूप में उन्होंने हंस के बारे में बताया, और उनके तीन बच्चे थे, तीन चूजे थे, और उनके पिता ने चोंच मार मार कर उन बच्चों को मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा काँव काँव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वैक क्वैक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक की आवाज़ कर रहे थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, और मिस्टर किसिंग ने सौभाग्यवश इस मजाक को जो है यानी कि स्वीकार कर लिया, यानी किसी तरीके का उन्हें विरोध नहीं किया। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, ओके। ही रीड द पोएम्स टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उसके बाद यानी कि मिस्टर किसिंग जो थे इस मजाक को उन्होंने क्या किया, बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अपनी जो टिप्पणियां हैं यानी कि जो कमेंट थे उनको जोड़ते हुए क्लास में उस कविता को पढ़कर सुनाया। एंड सेवल अदर क्लासेज एज वेल एज, और साथ ही साथ दूसरी क्लासों में जाकर भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन मी एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, और इसके विपरीत जो क्या हुआ, ऑन द कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत जो है मिस्टर किसिंग आजकल हमेशा मजाक की बातें मुझसे करते हैं, यानी कि खुद भी किस पे आ गए, मजाक पर आ गए। योर्स एन ए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडप्शन, तो मैंने कहा था कि ये एन ए फ्रैंक जो है उसकी डायरी से लिया गया है, ठीक है। और उस समय मैंने आपको बता दिया था कि उसने अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ छुपकर ये क्या लिखा था, इस डायरी को लिखा था जो उसे 13वें जन्मदिवस पर एक उपहार स्वरूप दिया गया था, और उसने अपनी दादी माँ और स्वयं के बारे में और साथ में अपनी क्लास के बारे में कुछ कमेंट किए, वर्णन किया। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, ओके, एंड आई होप दैट यू विल रिवाइज दिस चैप्टर एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर आई विल प्रोवाइड, ओके। सो थैंक्स, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट, ओके, एंड आस्क द क्वेरीज, ओके स्टूडेंट्स। तो 4 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, और आपको बता देता हूँ कि अब की बार आपका यानी कि 10th के अंदर 100% सिलेबस होता है, और आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द सिलेबस रेस्ट ऑफ द सिलेबस वी विल हैव टू रीड, यानी कि डिडक्शन के बाद जो भी मैटर बचा हुआ हमारे पास उसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और हमें पूरा का पूरा ही सिलेबस जो है कंप्लीट करना होता है, इसलिए आप इस विशेष रूप से इस बारे में ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।